सो गाइस, इस ब्यूटीफुल नाइट लैम्प को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे जो है एक्रेलिक शीट चाहिए होगा 2.5 mm या फिर 3 mm का, जिसका मैं जो है 282 mm बाई 175 mm का एक पीस कट कर ले रहा हूँ, जो कि थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है लेकिन ये इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो इस एक्रेलिक शीट को कट करने के लिए सिंपली मुझे जो है एक एक्रेलिक कटर का चाहिए होगा, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है। और उसके बाद मुझे जो है इस एक्रेलिक कटर और इस स्केल की मदद से मैं जो है सिंपली इस एक्रेलिक शीट के ऊपर कुछ इस तरीके से हल्का हल्का करके स्क्रैचेस कर दूंगा, जो कि मतलब मैं जो है बड़े प्यार से और बड़े ध्यान से कर रहा हूँ, वरना हमारा एक्रेलिक शीट जो है एकदम खराब हो सकता है। सो गाइस, कुछ देर स्क्रैचेस करने के बाद मैं जो है इस एक्रेलिक शीट के ऊपर एकदम स्केल के बिना ही जो है स्क्रैच कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, क्योंकि यार इसके ऊपर जो एक निशान बन चुका है और इस निशान के ऊपर मुझे जो है अपना नाइफ चलाना होगा कुछ इस तरीके से। और गाइस, जब ये एक्रेलिक शीट 90 से 95 mm तक कट हो जाए, मुझे जो है सिंपली इसको जो है हल्का सा बेंड करना होगा और ये हमारा फाइनली एक्रेलिक शीट जो है बहुत ज्यादा बढ़िया फिनिशिंग के साथ जो है एकदम दो टुकड़ों में बट गया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। और गाइज, मैं सिंपली मेरे पसंद का एक ड्राइंग जो है गूगल से डाउनलोड करके इसको जो है कुछ इस तरीके से एक्रेलिक शीट के एकदम बीचों बीच चिपका दे रहा हूँ, और इसको जो है सूखने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद मिलते हैं वीडियो में फिर से। और राइट गाइज, हमारा ड्राइंग जो है सूख चुका है और अब मुझे जो है फर्स्ट ड्राइंग के जैसा जो है सेकंड ड्राइंग के ऊपर भी स्क्रैचेस करना होगा, तो शुरू करते हैं इस ड्राइंग के ऊपर स्क्रैचेस करना। सो गाइज, मैं सिंपली इस टूल किट की मदद से इस ड्राइंग के ऊपर स्क्रैचेस कर रहा हूँ, और मैं चाहता तो ये टूल किट भी इस्तेमाल में ले सकता था, लेकिन यार मेरे पास जो है ये टूल किट है, तो यार मैं जो है ये इस टूल किट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और गाइज, आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, इस पहले वाले ड्राइंग को करने में मुझे जो है लगभग 3 घंटा लगा था, और यार इस काम में जो है बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होगा और मैं जो है इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ इस काम में, तो यार। और जो है सेकेंड ड्राइंग जब मैं बना रहा था, तो इस सेकेंड ड्राइंग को करने में मुझे जो है लगभग 2 घंटे के आसपास जो है वक्त लगा है, और यार ये ड्राइंग जो है मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान से करना पड़ रहा है, क्योंकि यार एक छोटा सा गलती और यार ये पूरा एक्रेलिक शीट जो है बर्बाद हो सकता है, कहीं से भी जो है उल्टा सीधा स्क्रैचेस लग सकता है, तो यार मैं जो इसको बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ और बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ इसको जो है कर रहा हूँ। तो यार मतलब मेरा हाथ जो है एकदम सुन पड़ गया बहुत देर तक इसको चलाने में। पहला वाला ड्राइंग मुझे जो है करने में लगभग 2.5 घंटा पड़ा था, और आई होप ये वाला जो है दूसरा वाला थोड़ा सा कम समय लगेगा इसको बनाने में। खैर, मेरा जो हाथ सुन पड़ गया इसके वाइब्रेशन से, थोड़ा सा रेस्ट लेके उसके बाद जो है मिलते हैं वीडियो में। सो गाइज, ये ड्राइंग बिल्कुल तैयार हो चुका है, और अब जो है मुझे एक बॉक्स चाहिए होगा, बेसिकली एक बेस चाहिए होगा जिसके ऊपर मैं जो है अपने एक्रेलिक शीट को सेट करूंगा, जिसके लिए मैं जो एक बॉक्स बना ले रहा हूँ, जिसका डायमेंशन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और इस बॉक्स को बनाने के लिए मैं जो है 6 mm का प्लाईवुड यूज़ कर रहा हूँ, और उसके अलावा मैं जो सनमाइका से इस प्लाईवुड को जो चारों तरफ से कवर कर दूंगा, तो यार मिलते हैं वीडियो में बॉक्स बनाने के बाद। और लेट गाइस, हमारा बॉक्स जो है बनके तैयार हो चुका है, और ये रहा बॉक्स का ऊपर वाला पार्ट, मतलब कि बॉक्स का टॉप ये रहा, और ये रहा हमारा बॉक्स का बेस। तो यार बॉक्स को हम लोगों ने जो है बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया, और बीच में मैंने जो एक स्लॉट रखा है जिसके ऊपर मैं जो है अपना RGB लाइट को फिक्स करूँगा, और बॉक्स को मैंने जो है चारों तरफ से सनमाइके से कवर अप कर दिया, ताकि दिखने में जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। और यार बॉक्स के टॉप पे मैंने जो है एक मतलब कट कर किया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो बिल्कुल सीधा, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो एक्रेलिक शीट है उसको जो है सेट कर लेंगे। और यार बॉक्स बनाने का वीडियो मैंने जो है इसलिए अपलोड नहीं किया, वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता, और इस बॉक्स को बनाने में जो है मुझे जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत आया, तो यार मैंने जो है इसका बॉक्स को बनाने का वीडियो जो है स्किप कर दिया। सो गाइस, अब मैं लाइट की स्पीड से इस बॉक्स को जो है पूरा कंप्लीट करूंगा, और इसके ऊपर जो है RGB लाइट और हमारा एक्रेलिक शीट को जो है फिट करूंगा। तब तक आप लोग जो है कॉमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर देना।
सो गाइस फाइनली हमारा ये जो गिफ्ट है बिल्कुल तैयार हो चुका है। और ये जो है इधर एक यूएसबी लगा हुआ रहता है जैसे कि आप लोग देख रहे हो, और इसको हम लोग जो है किसी भी अडेप्टर के साथ कुछ इस तरीके का कोई भी अडेप्टर के साथ हम लोग जो है कनेक्ट करके इसको जो है ग्लो कर पाएंगे, जैसे कि आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। और आप लोग जो है देख पा रहे होंगे ये जो है बहुत ज़्यादा दिखने को कूल लग रहा है, और पीछे की साइड पे जो है कुछ बटन दिया हुआ रहता है, उससे जो है हम लोग मोड चेंज कर सकते हैं, इसका इंटेंसिटी या फिर इसका मोड या फिर इसका स्पीड कुछ भी चेंज जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ एक बार इधर जो है कलर, तो आप लोगों के लिए आपके तरफ कर दे रहा हूँ मैं ये, और उसके बाद जो है आप लोग देखिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसका जो है कलर जो है चेंज हो रहा है। आई होप आप लोगों को जो है दिखाई दे रहा होगा, मैं जो है आप लोगों को एक बार अंधेरे में भी दिखा दे रहा हूँ। तो यार हमारे ये जो गिफ्ट है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से वर्क किया है, लेकिन यार दुख इस बात का है कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आप लोगों को जो है बहुत तरीके का टूल चाहिए होता है, एक टूल से आप लोग जो है बहुत काम नहीं कर सकते। तो यार मेरे पास जो है बहुत सारा टूल नहीं है इसके लिए, ये जो साइड का फिनिशिंग है कुछ जगहों पर जो है थोड़ा सा क्रैक्स आ चुका है, और कुछ जगहों पर जो मैं अच्छी तरीके से फिनिशिंग नहीं दे पाया, क्योंकि यार मुझे जो उतने अच्छी तरीके से कारपेंट्री का मतलब काम जो है आता तो नहीं, उसके बावजूद मतलब मैंने जो है कोशिश किया है और मेरे पास उतना ज़्यादा टूल भी नहीं था, तो थोड़ी थोड़ी जगहों पे जो है क्रैक्स आ गए, और यार मतलब कई कई जगहों पे तो जो है अच्छी तरीके से मैं फिनिशिंग नहीं कर पाया, आप लोगों को जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और यार कोई नहीं, सोचा था कि बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाऊंगा, बहुत अच्छी तरीके से इसका फिनिशिंग करूंगा, नहीं हो पाया। खैर कोई नहीं, शायद नेक्स्ट टाइम होगा। और हैप्पी बर्थडे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो एक चीज़ बता दूँ, मैंने जो है इसको बनाने में लगभग 6-7 दिन का टाइम लिया है, और यार बहुत जगहों पे मैंने जो है कुछ जगहों पे मैंने जो स्टेप जंप किया, आप लोगों को जो है इस वीडियो पे दिखाई दिया होगा कि मैंने जो है बहुत फास्ट फॉरवर्ड किया, ये फिर डिटेल में नहीं दिखाया, क्योंकि यार इसके पीछे का रीज़न है कि कुछ कुछ चीज़ जो है मैं मतलब कैमरे पे नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके लिए मैं जो है कैमरा ऑफ कैमरे में जो है कुछ काम किया है, उसके बाद आप लोगों को जो स्क्रीन पर दिखाई दिया होगा। तो यार यही था इसके पीछे का रीज़न, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है इसको बनाने में, बस दुख इस बात का ये जो है एकदम 100% सही नहीं है, 100% तो नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन 90% भी ठीक ठाक नहीं है, कई कई जगह से जो है टूट गया। तो यार दुआ करना कि बाद में जो है बहुत बहुत सारा जो है टूल मैं खरीद पाऊँ, और बहुत तरीके का मतलब काम जो है सीख पाऊँ, तो उसके बाद बहुत अच्छी तरीके का चीज़ बनाएंगे। गिफ्ट तो दूर की बात है, बहुत बहुत तरीके का चीज़ बनाएंगे, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, गिफ्ट से रिलेटेड, बहुत कुछ। अगेन हैप्पी बर्थडे, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।